अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं मैं ज़ाहिद एक अनदर ब्लॉग के साथ। सो गाइस, यहां पे मैं आपके साथ ऑनलाइन शॉपिंग का एक अपना पर्सनल रिव्यू शेयर करने जा रही हूं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, दरात पर एक बहुत बड़ी सेल लगी हुई थी, बिगेस्ट सेल 11/11 की। तो सब लोगों ने वहाँ से शॉपिंग करी है, मैंने भी वहाँ से एक चीज़ बाई करी थी उस सेल में से, वो ये था ट्राइपॉड। तो मुझे लगा काफ़ी अच्छा है, रीज़नेबल है और ये फ्लेक्सिबल था कि आप किसी जाली वगैरह में भी इसको अटैच करके वीडियो बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दराज का एक वो दिखा रही हूँ जिसमें इसमें पैक होकर आया था पेपर, तो ताकि आपको यकीन आ जाए कि वाकई में मैंने दराज से ऑनलाइन किया था और ये कार्डबोर्ड है जिसके अंदर ये फिक्स हुआ हुआ था। सो गाइस, अब यहाँ बात करते हैं हम अपने ट्राइपॉड की। तो ये है ब्लैक कलर का ट्राइपॉड, मैं पिक्चर अटैच कर दूँगी और प्राइस वगैरह भी मेंशन कर दूँगी। कॉस्टली मुझे ये 300 का पड़ा था विद डिलीवरी, तो डिलीवरी इनकी अच्छी थी, मुझे भी अच्छा लगा। मैंने स्क्रॉल करा दराज में, मुझे ये चीज़ समझ में आई, काफ़ी अच्छी थी। लेने के बाद मैं बहुत ज़्यादा पछताई क्योंकि गाइस ये बिल्कुल भी यूज़ का नहीं था। इसे आप बच्चों के खिलौने वगैरह के लिए खरीद सकते हैं। इसकी लेंथ आप देख सकते हैं इतनी है, इतनी क्या लेंथ होगी, कम से कम थोड़ी तो इसकी हाइट होती। ऊपर से जहां हम मोबाइल साथ में अटैच करते हैं वो मोबाइल को होल्ड ही नहीं कर पा रहा, बिल्कुल मेरे लिए ये पैसे वेस्ट शॉपिंग थी। फर्स्ट टाइम मैंने दराज से ऑर्डर की, वो तो अच्छा हुआ मैंने कोई छोटी चीज़ मंगवाई थी। वैसे आई होप कि दराज से स्कैम्स इस तरह के नहीं होते हों, शायद मेरी मिस्टेक हो या वाकई में ये इतना अफोर्डेबल नहीं हो कि ये मोबाइल को अच्छे से होल्ड कर सके। तो यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, ये इस तरह का इसमें दिखाया था कि आप किसी जाली वगैरह से भी अटैच कर सके। तो मैं यहाँ ये देखें आपको फोल्ड करके दें, इसके जो वायर्स हैं या जो भी चीज़ इसके अंदर फिट है तो ये उससे ना क्या कहते हैं होल्ड हो जाता था, अटक जाता था। जैसे मैंने यहाँ पर आपको दराज की इसमें दिखाया, इसी तरह एक जाली वगैरह में भी आप इसको होल्ड कर सकते हो। ये फ्लेक्सिबल एक तरह का ट्राइपॉड था, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल भी ये एक बेकार चीज़ थी। मुझे बहुत बुरा लगा कि मैंने ये चीज़ क्यों मंगवाई, मंगवाती तो कम से कम अच्छी चीज़ मंगाती, पर होता है कभी कभी होता है अपने भी हाथ से गलती हो जाती है। सो गाइस, यहाँ पे मैं भी आपको मोबाइल ना होल्ड करके भी दिखाऊंगी। इसका जो स्टैंड है, ये जो मोबाइल होल्ड करता है वो बिल्कुल भी मोबाइल के वज़न को वेट को नहीं उठा रहा, उससे मोबाइल बिल्कुल नीचे गिर रहा है। ये देखें आप, देखें मैंने अपना दूसरा मोबाइल यहाँ पे कैरी होल्ड करके दिखाया है कि शायद ये टिक जाए, लेकिन ये बिल्कुल नहीं टिक रहा। ये आपके सामने है, ये बिल्कुल स्लिप हो गया और अब तो ये स्टैंड से बाहर आ गया है। तो ये गाइस, आप में से जो भी ये कोई चीज़ लेना चाहता है तो बिल्कुल मत लीजिएगा। जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो भी, और जो नहीं है मेरी वीडियो देख रहे हैं वो भी, मैंने लाइव डेमो दे दिया है क्योंकि इसका जो स्टैंड है होल्ड करने वाला वो इसकी पकड़ इतनी अच्छी नहीं है और ना ही वो मोबाइल का वेट बिल्कुल ही उठा पाएगा। तो मेरी तरफ से तो नो है, आप बिल्कुल नहीं लीजिएगा। इस मोबाइल की पिक्चर विद प्राइस मैं यहाँ साइट में अटैच कर दूँगी। तो गाइज ये देख सकते हैं आप, मोबाइल मेरा बिल्कुल भी होल्ड नहीं करा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ये चीज़, शायद मेरी मिस्टेक थी तो मुझे ये मंगवाना नहीं चाहिए था। सो गाइज, ये था ट्राइपॉड का रिव्यू। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको अल्लाह हाफिज़।